एक साहब ने बड़ा अटपटा सा सवाल किया है, हालांकि अटपटा इसलिए नहीं कहना चाहिए उसे कि हमारे यहाँ स्कूलों में हिंदी का उच्चारण सुधारने पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ना गलत उच्चारण या गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए टोका जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन गलत होता है। जैसे इन साहब का सवाल था कि जीम जाल ज्वाद जोए जे, इसमें फ़र्क क्या है। पहली चीज़ तो यह है कि इसके तलफ़ पर हम बात कर लें। ये दरअसल इसमें जीम जिसे हम कहते हैं जीम, उसका तलफ़ हिंदी के जा और अंग्रेजी के जे जैसा है, जा जा, और बाकी हरूफ का तलफ़ और बाकी हरूफ का उच्चारण प्रोनंसिएशन जा जैसा है, यानी अंग्रेजी का जिसे हम जेड कहते हैं जेड। तो जेड का उच्चारण जो लोग नहीं कर पाते हैं ठीक ढंग से, उन्हें थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, थोड़ा सा इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अब ज़ा की आवाज़ कैसी है, आपने जिस तरह वो मधुमक्खी की भनभनान की आवाज़ सुनी होगी, ये जो जहाँ से आप ज की आवाज़ निकाल रहे हैं वही है ज़ा की आवाज़, ज़ा ज़ा ज़ा। तो यह जा जी जा जाल जा ज़ाद जा ज़ोए जा और ज़ी जा, इसकी आवाज़ ये है। अब आपको इसकी इसका थोड़ा सा अभ्यास करना होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना होगी, ज़ा 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 जा और इन सब की आवाज़ है ज़ा ज़ा। तो ये तो हुई उच्चारण की बात यानी प्रोनंसिएशन की बात। आइए कुछ शब्द देखें जिसमें जा और ज़ा दोनों की आवाज़ है। देखिए जहाज जहाज, इसमें पहली आवाज़ जो है जा की है और बाद की आवाज़ है ज़ा की, जहाज ये जा है और ये ज़ा है। दूसरा शब्द है हमारा जज्बात जज्बात, इसमें पहली आवाज़ जा की है और दूसरी आवाज़ ज़ा की है, जज्बात। तीसरा शब्द है हमारा जहेज जहेज, जिसे हिंदी में दहेज कहते हैं उसे उर्दू में जहेज कहते हैं, तो इसमें पहली आवाज़ जा की है और ये आखिरी आवाज़ ये ज़ा की है, जा ज़ा जा ज़ा। ये तो हुआ जा और ज़ा का फ़र्क। अब सवाल ये है कि हमारे पास ज़ा की आवाज़ के लिए ये चार हर्फ हैं, ज़े ज़ाल ज़ाद और ज़ोए, ये हमारे पास चार अक्षर क्यों हैं। उसका कारण ये है कि ये चारों अक्षर अरबी भाषा में इन सब का उच्चारण अलग अलग है, इन चारों अक्षरों का उच्चारण अरबी भाषा में अलग अलग है, लेकिन यहाँ उर्दू में अब इन चारों का उच्चारण
जा की तरह ही किया जाता है। अच्छा, अरबी भाषा में क्योंकि इन चारों का उच्चारण अलग है तो इन चारों का इस्तेमाल भी अलग है, लेकिन हम चूंकि इन चारों को एक ही तरह से ज की तरह ही बोलते हैं, इसलिए हम ये अंदाज नहीं लगा पाते हैं कि किसी शब्द में कहाँ पर ज़े है, कहाँ पर ज़ार है, कहाँ पर स्वाद है, कहाँ पर ज़ोए है, क्योंकि अरबी भाषा में ये शब्द, ये अक्षर, कोई शब्द लिखा जाता है उसमें अगर इन कोई शब्द आते हैं तो उर्दू में भी वो उसी स्पेलिंग के साथ लिखे जाते हैं। अब चूँकि अब उर्दू में इन चारों के आवाज़ में कोई भेद नहीं है, भेद नहीं किया जाता है, सबको ज़ा की तरह उच्चारण किया, इसलिए हम कोई शब्द सुनकर, अगर हमने पहले उसे कहीं लिखा हुआ नहीं देखा है, हमने सिर्फ सुना है कोई शब्द, तो हम ये अंदाज नहीं लगा पाते हैं कि कहाँ पर ज़े का इस्तेमाल है, कहाँ पर ज़ाल का इस्तेमाल है, कहाँ पर ज़ोए का ज़ाद का इस्तेमाल है और कहाँ पर ज़ोए का इस्तेमाल है। तो ये देखें कुछ शब्द, इसलिए ज़बान, ज़बान ये ज़े का इस्तेमाल है इसमें, ज़बान, इसे अगर हम ज़ोए से या ज़ाल से लिखेंगे तो गलत होगा, ज़बान वो ज़े से ही लिखा जाएगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग यही है। इसी तरह अज़ान, अज़ान इसमें ज़ाल है, अब अरबी में चूँकि इस शब्द में अरबी भाषा का शब्द है इसमें ज़ाल है, इसलिए उर्दू में भी ज़ाल से ही लिखा जाता है अज़ान। अब देखिए ज़ुल्म, ज़ुल्म, ज़ुल्म में ज़ोए है, यहाँ पर ज़ाल या ज़े का इस्तेमाल गलत होगा, ज़ुल्म। मज़मून, यहाँ पर ज़ाद है इसलिए ज़ाद से ही हम उर्दू में भी इसे लिखते हैं मज़मून। इसलिए जब तक हम इन शब्दों को लिखा हुआ नहीं देखेंगे या कोई हमें बताएगा नहीं, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इन शब्दों में कहाँ पर ज़े इस्तेमाल करना है, कहाँ पर ज़ाल इस्तेमाल करना है, कहाँ पर ज़ोए इस्तेमाल करना है, कहाँ पर ज़ाद इस्तेमाल करना है। तो इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिससे आप ये समझ जाएं कि कहाँ पर ज़े इस्तेमाल होगा, कहाँ पर ज़ाल इस्तेमाल होगा, कहाँ पर ज़ोए इस्तेमाल होगा, क्योंकि उर्दू में ये चारों अक्षर एक ही तरह से, इनके चारों अक्षरों की आवाज़ एक ही है, इसलिए अरबी भाषा में तो वो समझ जाते हैं क्योंकि इन चारों का उच्चारण अलग है, इसलिए वो जब बोलते हैं तो वहाँ तो अंदाज लगाया जा सकता है। अच्छा अच्छा, अब अगर आप इन चारों शब्दों की अलग अलग जो आवाज़ें, जैसा मैंने बताया कि अरबी में इन चारों शब्दों का उच्चारण अलग अलग है, अगर आप उसे समझना ही चाहते हैं, किसी वजह से जानना ही चाहते हैं, तो हमारी एक वीडियो सीरीज़ है फोनेटिक्स ऑफ उर्दू 1, फोनेटिक्स ऑफ उर्दू 2, फोनेटिक्स ऑफ उर्दू 3 करके, ये तकरीबन 13-14 वीडियोज़ हैं, ये आप अगर देखना चाहें देख सकते हैं, और जिनसे आपको पता चल जाएगा कि इनकी आवाज़ों में क्या फ़र्क है।